हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मोहरी देवी ताबड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नरेशन। दिस इज द सिक्स्थ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक नरेशन। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सम रूल्स ऑफ द नरेशन एंड प्रेजेंट टेंस यूज इन द नरेशन। एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस यूज इन द नरेशन, हाउ टू चेंज पास्ट टेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखो, हमने अभी जो फिफ्थ वीडियो पढ़ा था लास्ट इसका, उसमें क्या था, हमने प्रेजेंट टेंस को देखा। आप सबको मैंने जब स्टार्टिंग में रूल्स बताए थे तो आपको मैंने बताया था कि कैसे टेंसेस का चेंज होता है। अगर हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे चेंज कर दें, इंटरचेंज कैसे होता है टेंसेस का। तो कल हमने जो है प्रेजेंट टेंस उस पर कर लिए कि अगर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। कॉन्टीन्यूअस है प्रेजेंट तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करेंगे, तो ऐसे चेंज होता है इंटरचेंज। बट आज जो है हमारा पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का कैसे चेंज करना, कन्वर्ट करना है वो आपको क्लियर है क्योंकि मैंने इंडेक्स में बताया हुआ है। फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ कि आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट में हमारा डायरेक्ट स्पीच है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में, तो अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो, अगर हम प्रेजेंट का कर रहे थे तो प्रेजेंट का सब कुछ चेंज हो रहा था पास्ट में, क्लियर। प्रेजेंट का कुछ भी कर रहे थे पास्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा था। बट अगर हम पास्ट का कर रहे हैं आज तो पास्ट का पास्ट में ही रहता है, पर कैसे चेंज होता है। देखो, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल होगा तो उसका चेंज अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट होगा, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया, वैसे तो आप लोगों को मैंने रूल्स में बता दिया था पर फिर भी एक बार आप देख लें, अगर पास्ट इंडेफिनिट है डायरेक्ट स्पीच में तो पास्ट परफेक्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो नो चेंज। ये आप लिख लो एक बार, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अब हम अगर इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे मैंने रूल्स में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है तो आपको क्लियर भी होगा। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कल हमने प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स देखे थे, देखो ये डायरेक्ट स्पीच है पहले का, उसका हम एग्जांपल देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल। अभी हम बहुत बेसिक वाले रूल्स और बहुत बेसिक वाले सेंटेंसेस कर रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनमें कुछ कुछ ऐसे चेंज होता है वो हम बाद में करेंगे, तो आप अभी ज़्यादा इसके बारे में ना सोचें। शी सेड टू राम, I went to Jaipur. Last week. She said to Ram, I went to Jaipur last week. ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का है, और डायरेक्ट स्पीच में भी कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है।
अब हमें चेंज किस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट को आपने अभी अभी देखा है, लिखा है, आपको पता होगा कि अगर हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो शी का शी, सेड टू का टोल्ड, राम का राम, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करो और क्या लगाओ, दैट। आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो तो शी, और परफेक्ट में चेंज करना है तो क्या आएगा, हेड। वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। टू जयपुर और लास्ट वीक का क्या आ जाएगा, ये भी मैंने रूल में बताया हुआ है आपको, अभी तक आपने जो नरेशन के दो पांच वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ वो देखे हैं, तो आपको पता है कि लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। शी सेड टू राम, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच एंड इन प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड दिस इज द इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर। शी टोल्ड राम दैट शी हैड गॉन टू जयपुर प्रीवियस वीक। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन सा टेंस का देखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। शी सेड टू मी, आगे अगर आपको टेंसेस लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही आप यहाँ पास्ट सिंपल लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेंटेंस किसका बन रहा है। शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए शी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट आ गया, शी का शी, सेड टू का टोल्ड, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है इसलिए मी हो गया, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। ये हमारा फॉर्म मी के, देखो हमने ये पास्ट जो है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करना देख लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस को कन्वर्ट करना देख लिया, अब हमारा थर्ड सेंटेंस किसका बनेगा, पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का डायरेक्ट अगर हम बनाते हैं स्पीच तो क्या है, ये सेंटेंस है किसका, आगे आप लिख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट का।
इसका नो चेंज, आपको क्लियर है कि इसका कोई चेंज होगा नहीं, तो इसका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही हैड कंप्लीटेड माई, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट, है ना। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ, ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच था। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, क्लियर हो गया आपको, हमने चेंज किया किसमें, नो चेंज हो गया इसका डायरेक्ट स्पीच में, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो इसका नो चेंज है, क्योंकि हमने रूल्स देखे हैं। अब हमारा कौन सा बचा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शी सेड यह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, है ना, इसका भी आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो नो चेंज है, नो चेंज है, तो क्या आएगा, शी की जगह शी सेड है, सेड के आगे टू नहीं है तो ओनली सेड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, दैट आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी हैड बीन का हैड बीन, प्लेइंग का प्लेइंग, फोर टू आवर्स एज इट इज, क्लियर। शी सेड आई हैड बीन प्लेइंग फोर टू आवर्स, शी सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग फोर टू आवर्स। तो आज हमने पास्ट टेंस के जो इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का अगर चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो कैसे चेंज करना है वो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने, कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, कौन से टेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस। तो हमने उसमें पहले पढ़ लिया था कि पास्ट अगर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज टेंस है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो नो चेंज। इनके एक एक हमने एग्जाम्पल देख लिए, लास्ट वीक है उसका प्रीवियस वीक हो जाएगा, बाकी आप एग्जाम्पल्स देख ही रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट टेंस का कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा फ्यूचर टेंस, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत इसमें एक्सेप्शंस हैं वो क्लियर करेंगे, तो आपको नरेशंस क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।